व्लॉग बहुत टाइम के बाद एक नया व्लॉग आ रहा है। तो आज मैं आई हूँ इधर अपने मेरे घर, क्योंकि कल मुझे करना है रिम्पी मासी का मेकअप सुबह सुबह। तो रात में यही रुक रही हूँ क्योंकि ओमिट्स में मसला घर मार रहा है। तो ये सारा सामान, मेकअप, वैनिटी, लाइट्स, ये सब एक्टिव कर रहे हैं। बस जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। पता है वो सेम कि कल मेरे मेकअप का फर्स्ट क्लाइंट होने वाला है, लाइक ऐसे प्रोफेशनली, जब किसी ने जेन्युइनली फंक्शन पे जाना हो और रेडी करना हो, वो मेरा कल फर्स्ट टाइम होगा। और वो मेरे मासी ही है, रिम्पी मासी। तो कल प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप सब कुछ प्रोफेशनली होगा। देन उनको किसी शगन पे जाना है तो वो वहाँ जाएंगे। मेरे मम्मा ने भी जाना है बट मम्मा कल रेडी नहीं होना चाहते ऐसे प्रॉपर। तो ये सेम पर्सन की वेडिंग जो है 11th को है, तब भी मुझे मासी और मम्मा को रेडी करना है। तो अभी कल का दिखाऊंगी आपको कल मॉर्निंग। और आज पता क्या हुआ, मैं इधर आ रही थी, सुदीक्षा इतना रोने लग गई कि उसको था कि मुझे साथ में ही जाना है। और मेरे आने से 10-15 मिनट पहले ही वो चुप हुई, क्योंकि मेरे निकलने के बाद में वो रोती थी और वो पूरी जिद में थी कि मुझे साथ में जाना है। तो वो बहुत रो गई थी। और अभी मम्मा गई है मेरे लिए इडली लाने। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, सो मैं इडली वगैरह खा के फिर देखते हैं जो भी करेंगे आपको बताऊँगी। हाँ, मुझे मासी के मेहंदी लगाने भी जाना है, तो अभी खाना छाना खाऊँगी, तब तक मासी भी फ्री हो जाएंगे, तो मासी के जाके लगाऊँगी मेहंदी। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ मेकअप के लिए कल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं करती रहती हूँ कि बस किया फोटोज़ वीडियोज़ बनाई और रिमूव कर दिया मेकअप। अब बंदे ने प्रॉपर ऐसे फंक्शन पर जाना है, सो लेट्स सी क्या। आई नो बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। आई ट्राइड कि मैंने डेली व्लॉग्स भी स्टार्ट किए थे छोटे वाले। आई ट्राइड कि मैं थोड़ी रेगुलर और कंसिस्टेंट रहूँ जो भी है, बट नहीं हो पाया। लाइक अभी ना थोड़ा 1 month बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, डिस्टर्ब चल रहा था सब कुछ, एंड आई वॉज नॉट एबल टू एडिट एनी व्लॉग। और जो एडिट हुए भी हुए थे वो मेरा अपलोड करने का भी मन नहीं करता। मतलब जो तो डेली छोटे वाले व्लॉग्स एडिट भी करके रखे हुए थे, वॉइस ओवर भी लगा हुआ था, सब डन था, मेरा अपलोड करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं इतना लाइक बहुत वियर्ड सा चल रहा था सब, दिमाग की दही सी बनी पड़ी थी पता नहीं बहुत टाइम से। तो अब लेकिन अभी मैंने ये वाले ब्लॉग डालने के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग है, जो मेरे पुरानी डाटा पड़ा हुआ है, पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको मैं एडिट करके ब्लॉग्स बना के अब डाल दूँगी। सो थोड़े टाइम आप पुराने ब्लॉग्स देख लेना, इसके मतलब ये वाले ब्लॉग के बाद जो ब्लॉग्स आएंगे वो थोड़े से पुराने होंगे, कुछ ज़्यादा भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आई एम प्लानिंग कुछ फ्रेश कॉन्टेंट। तो ये कुछ ब्लॉग्स आएंगे थोड़े से पुराने, उसके बाद आपको नया कंटेंट देखना मिल जाएगा। और ये वाला भी नया ही है, ये रिसेंट एकदम। तो बस अभी आएंगे ब्लॉग, अभी ब्रेक नहीं लगेगी। आई नो पिछले साल भी एक महीना ऐसा निकला था जब मैंने कुछ नहीं डाला था अभी, तो कोई बात नहीं अब आ जाएगा। अपसेट हूँ, पता क्या हुआ, मैंने ये पियर्सिंग कराई थी ना, ये सारी ख़राब हो गई। यू गाइस कैन सी, मतलब एक में वाइट बस आ गई है और एक में से ब्लड आ जा रहा है मेरे को। लाइक इसको 1 या 2 months हो गए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये हील नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि लाइक थोड़े टाइम में पेन जाएगी, पर पेन जा ही नहीं रही थी। सो कल मैंने इरिटेट होकर ना रिमूव किया कि चल थोड़ा रिमूव करके थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ना इसको। तो जब मैंने रिमूव किया तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े दाने हुए पड़े, दाने भी पता नहीं क्या, एक जैसे एक पस वाला पूरा वाइट पूरा भरा हुआ है, एक ब्लड से भरा हुआ है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पर, सब ने रेमेडीज़ बताई थी और बहुत कुछ मैसेजेस आए थे इससे रिलेटेड मुझे। बट मुझे अच्छा लगता है, सी ये कितना प्यारा लगता है, मुझे ये चाहिए था, मुझे कब से करवाना था, और फाइनली मैंने करवाया और ये हो गया। और बीच में पता क्या हुआ, ये भी नहीं मैंने एक बार कराया, मैंने एक बार करवाया, फिर उसके बाद मुझे MRI करानी थी तो मैंने रिमूव कर दिए थे MRI कराने के बाद। तो एक तो मुझे पता नहीं था कि MRI में सोना चांदी डाल सकते हैं, मैं रिमूव ना करती ना पंगा पड़ता। तो क्या हुआ कि मैंने रिमूव कर दिया, शाम सुबह किया और अगले दिन डालने लगी, बंद हो गया, मतलब 24 hours के अंदर अंदर ही ये बंद हो गए। तो मैंने दोबारा करवाए सेम जगह पे, उसके बाद तो बस ये ख़राब हो गया। पर मुझे करवाना है, अब ये जब सही होगा तो मैं एक बार डॉक्टर को चेक करवाऊँगी, मतलब डॉक्टर को चेक करवाऊँगी, फिर सही होगा फिर मैं पूछूँगी अगर मैं करा सकूँ इसको। तो ये अपनी पिछली वाली वीडियो देखी, उसमें मैं मिरर में कर रही हूँ, फ्यू गाइज कैन सी की फ़ोन तो आगे ही पड़ा हुआ है, हाउ गाइज विल सी। तो मैंने अभी इसमें अगर अब दिख जाए आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आई नो देखो अब क्या होता है आगे से, देखो अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये बंद हो गए ऑलरेडी, पता नहीं क्या दिक्कत है, इतना सुंदर लगता है।
एक दिन हुआ है अभी और देखो दोनों वाले बंद हो गए, पीछे तो बुरा ही हाल है। तो हमारी डाइट शुरू हो उससे पहले हम खा रहे हैं अटरम पटरम। बस आप मुझे मोटा पतला ना होने देना, ठीक है? कोई नहीं, अजय डाइट शुरू नहीं हुई साड़ी, परसों तो होनी है, उस तो पहला सब ठूस लूँगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मासी की यहाँ मेहंदी लगाने। कितना टाइम हो गया, 11:15 हो गए हैं। हमने डिनर कर दिया, डिनर के नाम पे मैंने फ्रेंच फ्राइज खाई है और उसने पास्ता खाया। अब जाके मैसेज करेंगे। तो मैं इस पागल के साथ पहुंच गई हूँ मासी के इस पे। नो बिल्डिंग में नो करने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है। तो गाइज़ मासी ने डिज़ाइन पहले ही सोच रखा था, तो मैंने जाके उनके वो वाला डिज़ाइन लगा दिया। और उनको था कि मैं शादी पे हैवी लगवाऊंगी, अभी शगन है तो थोड़ा ऐसा डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया और मैंने ये लगा दी। सो गाइज इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं रेडी हो गई हूँ नहा धोके। बस अभी मैं चाय ब्रेड वगैरह या कुछ खा के जाती हूँ मासी के पास, फिर उनका मेकअप स्टार्ट करूँगी। सो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अभी बस मैं जा रही हूँ मासी के यहाँ। हमारी बिल्डिंग से लग गए मेरे यहाँ मामा और मासी की, बस ले जाके स्टार्ट करते हैं। अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो मैं मासी के वहाँ पहुँची, वहाँ जाके मैंने जो अपना मेकअप का सेटअप किया और उनको रेडी किया, तो उनकी क्या लुक हुई है आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। सो गाइस मैं मासी का मेकअप करके घर आ गई थी। घर आकर मैंने चाय शाय पी, खाना वाना खाया, क्योंकि मैंने सुबह बस ब्रेड चाय खाई थी और मेरे को ऐसे मन भी नहीं हो रहा था। सो अभी जो है शिवम जॉब पर आ चुका है और मैं फ्री थी घर पर, क्योंकि मैंने ऑफ ले लिया था ना आज। तो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, लाइक मेकअप की वीडियो ही, थोड़ा मेकअप करके मेकअप की वीडियो बना लूँगी अपने पेज पर डालने के लिए। कंटेंट बनाने लगी हूँ या कंटेंट जो भी बोलते हैं वो बनाने लगी हूँ। बस उसी का सेटअप कर रही थी। तो करंटली मेरे पास 2 लाइट्स हो चुकी हैं, ये मैंने रिसेंटली ली है, इसको आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मैंने। ये मुझे 3500 या 4000 की पड़ी है, मनी राम बलवंतरा से ली थी मैंने। और ये वाली मैंने मुझे पड़ी थी 2000 के आसपास, और ये मैंने ऐसे लोकल मार्केट से ली थी जो घंटाघर है हमारे यहाँ लुधियाना में। इसका मुझे एक ही ड्रॉबैक लगता है कि ये टिकती नहीं है सही तरीके से। ऑफकोर्स इसकी लाइट भी ज़्यादा, इसकी लाइट बहुत अच्छी है, तो आज मैं इन दोनों को एक साथ यूज़ करके देखती हूँ कि कैसी लाइट बनती है। और मैं मेकअप करके दिखाती हूँ मैंने आज कौन सा मेकअप किया अपने पे। मेरा सेटअप रेडी हो गया है, यहाँ मैंने जो भी मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स इस टाइम मेरे पे चाहिए वो मैंने रखी हैं। और यहाँ पे मेरी लाइट्स लग गई हैं, एक लाइट सामने और एक नीचे से आएगी, इससे डार्क सर्कल्स थोड़े कम दिखते हैं। खुदा की दया से बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। और बस अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना तामझाम। सो गाइस मैंने अपनी मेकअप लुक कर लिया है और वो कुछ इस प्रकार की दिख रही है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाली मेकअप लुक कैसी लग रही है मेरी। और मैंने अब तक जितने भी मेकअप्स किए हैं मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है उन सब में से। सो आपको मैं इसे दिखाती हूँ कि कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैंने पोजीशन जो है वो चेंज कर दी थी, उधर पहले कर दी थी, लेकिन मैंने उधर ना मुझे बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा फेस ज़्यादा डार्क आ रहा था रियलिटी से भी ज़्यादा, तो मैंने ये सारा शिफ्ट किया इस तरफ। और अभी मैं आपको मेस दिखाती हूँ कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे। सो ये देखो मेस थोड़ा सा, उधर लाइट्स और ये सब। अब बस इन सबको संभाल के नीचे जाना है। सो मैंने 5:30 बजे ये सब स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट 7:45 हो गए हैं। तो अभी बस मैं नीचे जाके चाय शाय पीऊँगी। आज संडे है, सारे इधर उधर गए हुए हैं, कहीं ना कहीं शिव जॉब पे है, बाकी सारे इधर उधर हैं। मैंने तो जॉब से आज छुट्टी ले ली थी मेकअप के कारण। सो अभी मैं अकेले हूँ घर पे, अब जाके चाय शाय पीऊँगी। और मेरा अभी ये कोल्ड वगैरह मुश्किल से सही हुआ था, 4-5 दिन सही रहा, फिर से हो गया मुझे। मेकअप इज मेकअप। चलो अच्छा इस व्लॉग को भी यही एड करते हैं। मैं अपनी मेकअप में इतना खो गई हूँ कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या बोलना था।
तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जैसे आपको मैंने इस ब्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि अब से आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। हाँ, कुछ ब्लॉग्स आपको ये वाले ब्लॉग के बाद पुराने आएंगे, पर उसके बाद जो है न्यू कंटेंट, फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो इस ब्लॉग को प्यार देना। जो इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने लोग हैं वो प्लीज़ थोड़ा कनेक्टेड रहना। जब भी ब्लॉग आता है व्यूज़ नहीं उतने आते, इसलिए मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गई थी कि छोड़ो यार, व्यूज़ तो इतने आ नहीं रहे हैं, क्या फ़ायदा। बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इस बार अच्छे से व्यूज़, मतलब एंगेजमेंट दे देना। बाय।